नमस्कार, मैं पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस्ट्रो शॉप। ज्योतिष ये बहुत ही प्राचीन विद्या है और इस विद्या का लाभ हजारों लोगों ने कई हजार वर्षों से लिया है और इसी विद्या का एक हिस्सा है, एक अहम अंग है यंत्र और रत्न। यंत्र और रत्न के माध्यम से कई बड़े बड़े राजाओं ने और कई बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं यही यंत्र और यही रत्न जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, व्यापार से संबंधित समस्या हो, रोजगार से संबंधित समस्या हो, विवाह संबंधित समस्या हो या ग्रहों की समस्या हो, साढ़े साती हो या काल सर्पयोग हो या हो आपके घर में वास्तु दोष। लक्ष्मी जी आपके घर धन संपत्ति लाती है। अगर आपके घर उनके चरण पड़ते हैं तो समझ लीजिए आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन हो ही गया है। लक्ष्मी जी के चरण पादुका आपको रुपया पैसे से कभी कमी नहीं होने देगी। लक्ष्मी जी की चरण पादुका न केवल आपको धन देगी वरन आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी दूर करेगी। लक्ष्मी जी की चरण पादुका आपको दो दो लाभ एक साथ पहुंचाती है। इनके चरण को अपने घर में लेकर आइए और अपनी धन और स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर भगाइए। लक्ष्मी जी की चरण पादुका यानी धन रुपया पैसे की वर्षा और साथ में स्वस्थ जीवन। आज ही अपने घर लेकर आइए लक्ष्मी जी की चरण पादुका। बृहस्पति यंत्र आपके बिजनेस में आ रही सभी कठिनाइयों को दूर करता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है। बिजनेस में घाटा फायदा अक्सर होता रहता है, पर अगर घाटे को कम करना है या उससे बचना है तो बृहस्पति यंत्र अपने ऑफिस या शॉप में स्थापित कीजिए। हमारे देश में आज भी लड़कियों की शादी में अड़चने आती हैं, उन्हें सही जीवन साथी आसानी से नहीं मिलता। बृहस्पति यंत्र कन्या की शादी में आ रही सभी बाधाओं को दूर करता है और शादी का योग बनाता है। बृहस्पति यंत्र को घर में स्थापित करने में आप इसके दोनों लाभ ले सकते हैं। आप काम धंधे के चलने से परेशान हैं या आपकी बहन बेटी की शादी ना होने से परेशान हैं? दोनों परेशानियों के लिए अपने घर या ऑफिस या शॉप में बृहस्पति यंत्र को स्थापित करें। पढ़ाई लिखाई का काम करने वाले विद्यार्थियों और व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र को अपनाने से माँ सरस्वती की कृपा रहती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिनका ध्यान भटकता रहता है, उन्हें सरस्वती यंत्र अपने साथ रखना चाहिए या पढ़ाई की टेबल पर रखने से एकाग्रता बनी रहती है और माँ सरस्वती की कृपा से अच्छे परिणाम भी आते हैं। सरस्वती यंत्र को अपनाकर स्टूडेंट अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है और वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र के लिए उनका पढ़ाई में मन लगा रहता है। माँ सरस्वती की कृपा पाएं और सरस्वती यंत्र को अपनाएं। व्यापार वृद्धि यंत्र आपकी नौकरी में आपको उन्नति दिलाने में और आपके बिजनेस में आपको फायदा पहुंचाने में सहयोग देता है। जॉब करने वालों को अक्सर ये बात मन में खटकती है कि उनकी इनकम फिक्स है और जब इंक्रीमेंट की बात आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। व्यापार वृद्धि यंत्र उन सभी के लिए है जो जॉब में तरक्की चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। व्यापार में ग्रोथ नहीं होती, बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं है तो व्यापार वृद्धि यंत्र को अपनाएं। अब आपको सिर्फ
काम में और व्यापार में ध्यान देना है। उसमें वृद्धि या काम में तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी जॉब में इंक्रीमेंट पाएं और बिजनेस में ग्रोथ लाएं व्यापार वृद्धि यंत्र के प्रभाव से। जिंदगी अभावों और गरीबी से भरी हुई है। लाख कोशिश के बाद भी परेशानियां कम नहीं होती, तो इन मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए घर में स्थापित करें शुद्ध और सिद्ध किया हुआ क्रिस्टल श्री यंत्र और पाइए भरपूर धन दौलत के साथ सुख समृद्धि। ये क्रिस्टल श्री यंत्र अत्यंत प्रभावशाली और हर किसी के लिए लाभदायक है। शुद्ध प्राकृतिक स्फटिक स्टोन का बना श्री यंत्र से जिंदगी की हर कमियों को दूर करने के साथ देते हैं जीवन को परिपूर्णता। ये बेहद प्रभावशाली और गुणकारी है। क्रिस्टल श्री यंत्र से कमजोर शुक्र को मजबूत और प्रभावशाली बनाइए और सुखी जीवन के साथ और ऐश्वर्य पाइए। स्थापित कीजिए क्रिस्टल श्री यंत्र। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा सार है, एक ऐसा सागर है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो हमने आपके लिए बनाए हैं अनोखे अद्भुत और प्राचीन यंत्र और रत्न, जिन्हें धारण करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं हमारी एस्ट्रो शॉप से। हमने इन्हें बहुत मेहनत से सिद्ध किया है, इन्हें बनाया है, हजारों मंत्रों और हवन यज्ञ के द्वारा इन्हें सिद्ध किया जाता है। आपको करना है सिर्फ एक कार्य, डायल करना है आपको एक नंबर 5664422 और अपने मुताबिक जैसी आपकी ज़रूरत है आप उन यंत्रों को मंगा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार, सस्रियाकाल, आदाब दोस्तों। भविष्य फल सितारों से हल में मैं शिवानी दुर्गा टैरो मास्टर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आज बताने के लिए कि आपके साथ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होगा। दोस्तों, विश्वास के ऊपर हरिवंश राय जी बच्चन जी की एक बहुत अच्छी जो है मुझे कविता याद आ रही है, जो मैं अपने जीवन में इसे बहुत महत्व देती हूँ इस कविता को। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, प्रभंजन मेघ दामिनी ने न क्या तोड़ा न क्या फोड़ा, धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। तो देखा आपने, हर व्यक्ति जो दर्शन को समझता है, जो जीवन को समझता है, वो हर छोटी छोटी चीज से भी जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनमें भी पॉजिटिव खोज लेता है। किस तरह से अंधेरी रात का जो है यहाँ पर मेटामॉर्फिक जो मीनिंग है वो यही है, अंधेरी रात यानी कि जो काले बादल हमारे जीवन में छा जाते हैं परेशानियों के, लेकिन जिसका विश्वास अटल है कि एक दिन उजाला जरूर होगा, उस विश्वास के दीपक को जिसने जला रखा है, उस होप को जिसने जगा के रखा है अपने मन में, उसके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो इस विश्वास के चलते मैं हूं आपके सामने, आपके जीवन में लाने के लिए खुशियां और ऐसे ही अंधकार में, इसी प्रकार के किसी अंधकार में ज्योति जलाने के लिए। तो आपका जो विश्वास है वो मुझे यहाँ खींच कर ले आया है वापस से आपको बताने के लिए कि आपकी कोई भी परेशानी हो जीवन में, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो मित्रवर, सुबह जरूर होती है। आशा का दीपक जलाए रखिए, कठिनाइयां कितनी भी हों, किसी भी प्रकार की हो, उसमें घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों का काम है आना, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे इन परेशानियों से घबराना नहीं, वरन मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इन परेशानियों से इनको दूर करके आगे बढ़ते जाना है, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, शादी नहीं होती है, व्यापार ठीक से चलता नहीं है, आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपका सवाल कोई भी हो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 5664466। दोस्तों, कॉल का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, पर मैं आपको पहले से कुछ गाइडलाइंस दे दूं कि जब आप कॉल करें और कनेक्ट हो जाएं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए,
क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, तो हो सकता है कुछ क्षण आपको इंतजार करना पड़े, तो धैर्य मत खोइएगा। दूसरी चीज, टीवी का आवाज एकदम कम कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो जाता है। जब आप टीवी की रेंज में रहते हैं तो कॉल ड्रॉप होती है। आप टीवी के आवाज को कम करके नेटवर्क एरिया में रह के मुझसे बात कीजिए डायरेक्टली फोन पर। तीसरी चीज, पेपर पेन रेडी रखिए, क्योंकि जो भी मैं उपाय आपको बताती हूँ वो आप लिख लें। तो मैं लेती हूँ आज का पहला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते मैडम, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? वो अपने करियर को लेके ना काफी कंफ्यूज है। अभी उसने प्लस टू के एग्जाम दिए हैं, अभी उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस फील्ड में जाए। जी यहाँ पर जो है समस्या जो है करियर की है, दिखाई दे रही है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और रही बात जो उन्होंने कहा है कि करियर फील्ड वो अपना कौन सा चूज करें, तो आर्ट से रिलेटेड कोई भी फील्ड में अगर वो जाती हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड होना चाहिए उनके लिए, जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकें, चाहे वो फिर पेंटिंग हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स। तो इस फील्ड में जाएंगी तो डेफिनेटली उन्हें फायदा होगा। मुझे उपाय बताने की कोई जरूरत नहीं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। मैं शिवानी दुर्गा दोस्तों टैरो मास्टर ही नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारी गूढ़ विद्याओं का भी मुझे ज्ञान है। बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ जिनमें अक्सर लोग जिनको गलत मानते हैं, एक्चुअली मैंने उन पर रिसर्च किया है और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारे वेदों का और शास्त्रों का ही अंग है। विका, तंत्र, मंत्र, यंत्र, वूडू, अघोरिज्म में मैं रिसर्च कर रही हूँ। ये सुन के बहुत गहराई लगती है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सब हैं हमारे जीवन से ही कनेक्टेड। इनमें मैंने रिसर्च किया इतने सालों तक, इनमें से ऐसे कुछ उपाय ढूंढ के निकाले जो हमारे जीवन में बहुत छोटे होते हैं होते हुए भी बड़ा सा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। कहते हैं ना, छोटी सी चींटी बड़े से हाथी को मार देती है। ये छोटा सा दिमाग जिससे इंसान चांद पर पहुंच गया, इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। छोटे छोटे उपाय अगर धैर्य और विश्वास के साथ अपनाए जाएं तो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, सुख चैन लाना है, तो आपके सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। ये मौका जो आपके घर चलकर आ गया है इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। देखिए, मौके बार बार नहीं मिलते, धोखे ज्यादा मिलते हैं जिंदगी में। जिंदगी ऐसी ही है, तो इसको सुचारू रूप से अगर चलाना है तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। वो ये कि आप ये जो नंबर दिख रहा है इसे एज इट इज डायल करें विदाउट एनी एसटीडी या एरिया कोड के, और मुझसे कनेक्ट हो जाएं। मैं लेती हूं आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या बोल रहा हूं। जयपुर से जी बताइए। आप टीवी के पास बात ना करें। हाँ जी, मेरा ये है कि जी मेरा मकान कब तक बनेगा? आपका मकान कब तक बनेगा आप ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल आपका मकान जरूर बनेगा। आशियाने की इच्छा किसको नहीं होती, आहा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि कहीं थोड़ी सी ना चीटिंग जुड़ी हुई है। तो अगर मकान के तो देखिए योग बने हुए हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं छोटी सी अड़चन ये है कि आप जहाँ विश्वास करेंगे वहां से आपको धोखा हो सकता है। तो पैसे तब तक ना दें, जब आप मकान की बात करें तो पैसा तब तक ना दें जब तक कि आप कोई पेपर जो है उनके जो दिए हुए पेपर्स हैं उसको ठीक से पढ़ ना लें, या आपको पैसे की रिसीट ना मिल जाए। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ ताकि चीटिंग ना हो आपके पास साथ, बाकी योग एकदम बने हुए हैं आपके। आप यहाँ पर 8 नंबर की आकृति देख रहे हैं, इसे इनफाइनाइट सर्कल भी कहा जाता है। तो ये 8 नंबर की आकृति संडे के दिन आपको गोल्डन पेन से बनानी है पेपर के ऊपर, और इसे अपनी पॉकेट में रखना है हमेशा। जब आपका मकान हो जाए तो इसे आपको पानी में बहा देना है। चीटिंग नहीं होगी, ये चीटिंग से आपको बचाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों देखा, कॉल का जो है ना सिलसिला शुरू हो चुका है। आप अपने मन के अंदर सवालों को दबा कर मत बैठिए। मन में कहीं भी कोई जिज्ञासा हो, परेशानी हो, कुंठा हो या आशंका हो, आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, नो प्रॉब्लम। आप अपनी कोई डिटेल्स नहीं देना चाहते, मुझे डिटेल्स चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए आपका सवाल। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना सवाल पूछिए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। लेती हूँ मैं आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम करके डायरेक्टली फोन पर बात कीजिए मुझसे। हेलो हेलो जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? हाँ
जी आप प्लीज मुझसे बात कीजिए डायरेक्टली, फोन पर मत सुनिए अपने आपको, डायरेक्टली फोन पर बात कीजिए मुझसे। हेलो हेलो जी जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। आपके लड़के की शादी नहीं हो रही है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं क्योंकि आपने सही समय का सही उपयोग किया और यहाँ पर कॉल कर लिया। हालांकि मैं देख रही हूँ थोड़ी सी अड़चने, आप काफी कोशिश कर रहे हैं पर काम बन नहीं पा रहे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साल के एंड तक जो है पॉजिटिव उनके शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको जो उपाय बताती हूँ ये आप कर लीजिए। आपके बेटे को बोलिए कि वो एक जोड़ा जो है माँ दुर्गा के लिए, चाहे वो साड़ी हो, चुनरी हो लाल रंग की, और उसके साथ में चूड़ियाँ, काजल, मेहंदी, ये जा करके उन्हें मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में दान करना है। माँ दुर्गा के चरणों के पास इसे रख दें और लाल जो गुड़हल का फूल होता है वो भी उनके चरणों में रख के प्रणाम करके बोल दें कि मेरी शादी माँ आप करवा दें, मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ वापस आऊँगा। ये कह दें और देखिए कहीं ना कहीं से सामने से रिश्ता छिलकर आ जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपकी? जी यार जीवन में काफी उथल पुथल मच रही है मेरे जी, और मेरा नाम समुदाय मीणा है। ओके मीणा साहब, आपकी समस्या जो है ना बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, आप अच्छे से दोबारा से मुझे बताइए कि क्या समस्या है आपकी? जी घर के अंदर काफी उथल मच रही है मेरे जी, काफी समस्या है। प्रेशर में मैं अध्यापक हूँ। ओके और मेरा नाम है समुदाय मीणा जी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूजन में भी बहुत ज्यादा हैं और पहले कुछ समस्याएं हो चुकी हैं जिसका असर आपके ऊपर आज तक है। उथल पुथल जो है वो पहले पास्ट से रिलेटेड है, यानी कि भूतकाल में कुछ ऐसा हो चुका है जो आपको अब तक डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 हफ्ते से 8 महीने के अंदर आपका टाइम चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। हालांकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, लेकिन ये चेंजेस होंगे ज़रूर और इसी दौरान होंगे जो मैं समय आपको बता रही हूँ। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, ये आप कर लीजिए तो जो काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स और जो आप बहुत सारे फ्लक्चुएशंस झेल रहे हैं अपनी लाइफ में वो कम हो जाएंगे। आप यहाँ पर गोमती चक्र देख रहे हैं, ये गोमती चक्र आपको 13 लेने हैं। 13 गोमती चक्र आपको पूजा की शॉप से मिल जाएंगे। आप ये लेकर आइए पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन आप इसे ले आइए और इसे आप पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। जब अगली पूर्णिमा आए तो इसे जाकर के पानी में बहा दीजिए। एक जो कहते हैं कि मून साइकिल है, इसको आपको अपने घर में रखना है, उसके बाद पानी में बहा देना है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो निकल जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। देखिए किस प्रकार से जो है ना कॉल्स शुरू हो गए हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए, बैठे रहने से, सुनने से मात्र आपकी समस्या हल नहीं हो जाएगी। और कहीं इस गुमान में मत रहिएगा कि आप जो है दूसरे की समस्या भी सिमिलर आपको लगी और उसका जो मैंने उपाय बताया आपने भी वो सुन के कर लिया, तो उसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आपकी समस्या है तो आप ही मुझसे बात कीजिए। आपकी समस्या है तो आप दूसरे का उपाय मत सुनिए बल्कि आप मुझसे बात करके देखिए। हर किसी के ग्रह नक्षत्र चाल जो है ना बिल्कुल अलग अलग होते हैं और मैं सबकी जो आवाज़ की वाइब्रेशन है उससे कनेक्ट होके और फिर उनका ग्रह चाल मान दशा और कार्ड्स में देखकर फिर उपाय बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप उनका उपाय अपना लें और फिर कोई कठिनाई में फंस जाएं, तो इसलिए बेहतर है बिना देर किए इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए। जो मौका चल के आया है बार बार मौके चल के नहीं आते, अभी अपॉर्चुनिटी द्वार पर दस्तक दे रही है। कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 5664466, छोटा सा नंबर है, आपके जीवन में बड़ा सा परिवर्तन लेकर आ सकता है। मैं लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपकी? नमस्कार जी, अपने को जी जी बताइए, बेझिझक होकर बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी तकलीफ है अपना लड़की की और लड़के की, लड़की और लड़के की फैक्ट्री नहीं बराबर चल रही है और लड़की की तबीयत नहीं अच्छी है। लड़के की फैक्ट्री आपकी बराबर नहीं चल रही है और लड़की की जो है आपने कहा कि हेल्थ ठीक नहीं है। यहाँ पर जो आपके फैक्ट्री का जो मामला है वो थोड़ा सा उलझा हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए जो उपाय पहले मैं उसके लिए उपाय बता देती हूँ। जो आपकी फैक्ट्री है वहाँ से जो भी व्यापार होता है, जो भी पैसा वहाँ पर कमाया जाता है उसका कुछ प्रतिशत जो है दान कर दीजिए। ये चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है।
जो भी गरीब आए उसको कभी भूखा मत भेजिए। अगर कोई पैसे से दान में मांगता है तो उसे जो भी श्रद्धा अनुसार आप पैसे दे सकते हैं वहां से दीजिए, उसी स्थल से जहां से वो फैक्ट्री से जो भी व्यापार होता है उसमें से ही हिस्सा निकाल करके कुछ ये देते रहना है, तो इससे जो है व्यापार में तेजी आ जाएगी और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। रही बात अपनी बिटिया की, जो है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर के बाद उनका टाइम ठीक हो रहा है, योग उनके बदल रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेने जा रही हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो जी, जी बताइए क्या समस्या है आपकी। भाई मैंने अपने पोते के लिए पूछना है, लोकेश कुमार उसका नाम है जी, समस्या क्या है? फरवरी समस्या बताइए। फरवरी जी जी समस्या बताइए, मुझे डिटेल्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ समस्या बताइए। जन्म है 2 फरवरी। आप समस्या बता दीजिए मुझे, क्या समस्या है लोकेश जी? समस्या ये है कि ना तो पढ़ने में रुचि कर रहा जी, काम ठीक है, आप लग नहीं रहा जी, आप चिंता ना करें, आपने कहा उनकी पढ़ने में भी रुचि नहीं है और काम भी लग नहीं रहा है, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल वो काफी परेशानियों से, मेंटली परेशानियों से भी गुजर रहे हैं, वो टेंशन में है काफी, कुछ चीजों को लेकर के उनके मन में कंफ्यूजन है, भय है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, हरे हकीक की माला जो है वो आपको अपने बेटे को पहनानी है, ये पहनानी है गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जब गुरुवार हो या पूर्णिमा हो उस दिन ये पहनानी है। ये हमारी एस्ट्रो शॉप से सिद्ध की हुई आपको मिल जाएगी हकीक की माला, इसे इंग्लिश में एगेट भी कहा जाता है, आप ये मंगा सकते हैं। इससे जो है जब ये पहना दें आप उसको, उसके बाद में उनको बोले सरस्वती का थोड़ा सा अगर ध्यान कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत देर तक बैठने की जरूरत नहीं है, खाली ओम एम ओम का जाप करें, इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ जी। मैं विक्रम बोल रहा हूँ जी। तो हमें अपने भविष्य के बारे में जानना था। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है, बस कोई समस्या, कोई खास बात जानना चाहते हैं आप? खास बात कि हमें पता नहीं हम क्या करें करियर में, अभी हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब आगे क्या करना चाहिए हमें नहीं पता, यही जानना चाहते हैं। ओके जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्यूचर ब्राइट है, हालांकि अभी जो मेहनत कर रहे हैं आप, इसका जो रिजल्ट मिलेंगे आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर मिलेंगे, क्योंकि आपका कंक्लूजन का कार्ड जो है वही जो है बहुत बढ़िया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और आप काफ़ी प्रतिभाशाली प्रतिभावान व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयाँ दिखाई दे रही हैं। आप जीवन में जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जिस फील्ड में आप कदम रखेंगे सक्सेस आपके पीछे हो जाएगी। आपको मैं उपाय बता देती हूँ, ये कीजिए आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है, उल्टा यू बना हुआ है, इसे आप उल्टा यू समझ सकते हैं, जबकि इसे कहा जाता है उरूज, ये एक रून है जो कि एक मैजिकल लैंग्वेज है, इसे जो है बहुत ही पावरफुल रून हम मानते हैं। इसे बनाना है आपको गुरुवार के दिन पीले पेपर के ऊपर, पीले रंग का पेपर होना चाहिए, स्क्वायर पेपर के ऊपर आपको रेड पेन से, रेड मार्कर पेन यूज कर सकते हैं, उससे बनाइए और इसे अपने मंदिर में रख दीजिए, जहां पूजा का स्थल है आपका उसमें रख दीजिए, बस धीरे धीरे आपकी जो समस्या है निकल जाएगी और आप भविष्य में उज्जवल ही उज्जवल है आपका भविष्य। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या समस्या है आपकी? मैम मैं अपने, मेरे को रोजगार में तरक्की नहीं मिल रहा है और मेरे को संतान भी नहीं प्राप्त हो रही है। ओके, ओ आपको संतान की प्राप्ति भी नहीं हो रही है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपने बिल्कुल सही समय पे सही जगह कॉल कर लिया है, तो समस्याएं भी आपसे जरूर दूर हो जाएंगी। रोजगार तो आपका दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जरूर हो जाएगा और आपको जो संतान की प्राप्ति है वो भी होगी, लेकिन आपको किसी ऐसे स्थल पर जाकर पूजा करानी है जहां नदी या समुद्र तट हो, ये शांति करवानी है आपको, जिसे पितृदोष शांति कहा जाता है, किसी नदी के तट के पास करवानी है या समुद्र तट के पास करवानी है, इससे जो है आपका संतान रूपी, जो संतान के योग में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी, प्लस आपका जो रोजगार से रिलेटेड संबंधित समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, दोनों ही आप एक ही पूजा करवा लीजिए, आपकी दोनों समस्याएं हल हो जाएंगी। मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं कि सब यश हम सभी पाना चाहते हैं, हम सभी रिकग्नाइज्ड होना चाहते हैं, जानना, लोग हमें जाने, हमारी प्रशंसा करें, ये कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो हमारे बारे में निंदा करता है, निंदा यानी कि जो हमें समझाने का प्रयत्न करे, हमारे बारे में बोले कि ऐसा है वैसा है, बुरा बोले, तो हमेशा याद रखिए कहीं ना कहीं वो हमारा फायदा कर रहा होता है। तो किसी कोई आपकी निंदा करे आप उससे नाराज ना होइए, बल्कि उसे ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि उसकी निंदा से आपका भला होने वाला है।
आप जब वो आपके बारे में कुछ बोलेगा तो आप उसको सोचेंगे कि क्या मेरे अंदर ये कमी है। हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास में आस में निंदक रहता है। तो हर चीज का अपने जीवन में एक योगदान है। छोटी छोटी चीजों की भी बहुत महत्वता है। किसी छोटे को बुरा मत बोलिए और किसी बड़े की तारीफ मत कीजिए, क्योंकि छोटा भी जब छोटे की जरूरत होता है तो छोटा ही काम आता है, और जब बड़े की जरूरत होती है तभी बड़ा काम आता है। तो इसके लिए आप अपने जीवन में अगर सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे ज्ञान का, जो इतने सालों मैंने रिसर्च किया है, उस ज्ञान का पूरा पूरा फायदा उठाइए और डायल कीजिए ये नंबर 5664466। एक फोन कॉल आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है। क्या आप नहीं चाहते अपने जीवन में परिवर्तन? अरे परिवर्तन तो संसार का नियम है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाना तो आपको पड़ेगा ये नंबर घुमाना, जो कि है 5664466। मैं लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो, मेरा नाम है मिसेस खुशबू मक्कर जी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। ओके। और हम लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव होता है बट बहुत प्रॉब्लम है बीच में। ओके। यहाँ है थोड़े से ऑब्स्टेकल्स, थोड़े से हैं सीक्रेट प्रॉब्लम्स जो कहते हैं ना जिन्हें, कि जो दिखाई ना दें पर प्रॉब्लम्स तो हैं, किसी वजह से नहीं पर किस उसका कोई कारण नहीं है पर प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मुझे स्पिरिट अटैक भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं घर के अंदर भी काफ़ी सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको उपाय बताती हूँ, वो कर लीजिए, इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जिस दिन संकष्टि हो, पंचांग आप देख सकती हैं उसके लिए, जिस दिन संकष्टि हो उस दिन आप गणपति की स्थापना कीजिए। या तो आप उनका कोई पिक्चर ले आइए बड़ा सा, और या फिर आप जो है उनकी मूर्ति ले आइए। ये घर में आप स्थापना कर दीजिए संकष्टि के दिन, और हर मंगलवार को लड्डू का उन्हें भोग लगाते रहिए। इससे जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये दूर हो जाएंगे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। ये उपाय कीजिए, ज़रूर फायदा होगा। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि मेरे पति देव है ना 3 महीने से चले गए हैं और मुझे तलाक पे आ गए हैं। उनका दूसरी जगह पे कोई चक्कर चलता है और तलाक ही देना चाहते हैं। ओ, वो बाहर चले गए हैं और आपको तलाक देना चाहते हैं, तो बड़ी बुरी बात है। हाँ, इतने वो मम्मी के घर पे है उनकी, और मैं मेरी मम्मी के घर पे हूँ, मुझे तलाक देना चाह रही हूँ। तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है समस्याएं बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, खाली यही नहीं। और बेहतर है कि आप डिवोर्स ले लें, मतलब अगर आप उनसे डिवोर्स ले लेती हैं वही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ काफ़ी सारी परेशानियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं फ्यूचर में भी मुझे, वो आपको फ्यूचर में भी डिवोर्स लेने के बावजूद आपको परेशान करते रहेंगे। तो मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, ये कर लीजिए, डेफिनेटली आपको इससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आप यहाँ पर ये स्फटिक देख रही हैं, इस फटिक की माला आपको एस्ट्रो शॉप से हमारे मिल जाएगी, जिसका नंबर सेम है। आप वहां से फ़ोन करके मंगा सकती हैं, या फिर आप किसी भी क्रिस्टल शॉप से या ज्वेलर के यहां से बोलिए कि स्फटिक की माला आपको दे दें। ये स्फटिक की माला आपको सोमवार के दिन गले में धारण कर लेनी है, तो धीरे धीरे ये परेशानियां जाएंगी, लेकिन आप विश्वास और धैर्य रखिए, जीवन में आपके उजाला ज़रूर होगा। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार मैडम, मैं किरण बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे बहुत प्रॉब्लम है कि मैं सर्विस करती हूँ और मेरे सर्विस को भी 21 साल हो चुके हैं। ओके। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे अब मेरे को नोटिस पीरियड नोटिस देके वो लोग निकालने वाले हैं ऑफिस में, तो इसलिए मेरे को तो काफी मुश्किल मतलब पता चला कि तो मैं क्या कर सकती हूँ। आपको नोटिस देकर निकालने वाले ऑफिस से ऐसा कहा गया है, तो ये तो वाकई चिंता का विषय है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है इस तरह की चिंता जुड़ी हुई है, लेकिन आपको चिंता ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप वहाँ से जॉब से हटती भी हैं, जहाँ से आपको जॉब से अगर नोटिस दे भी देते हैं और आपको छोड़नी पड़ जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए दूसरी जॉब जो है तैयार आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको उपाय बता देती हूँ, वो भी कर लीजिएगा तो बेटर जॉब आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी। आप यहाँ पर ताला चाबी देख रही हैं, ये ताला चाबी आपको कहीं से भी, आप किसी भी शॉप से ले सकती हैं, छोटा लेकर आएँ और इसे जो है बंद करके आपको 24 आवर्स के लिए अपने घर में रखना है। स्पेशली ये तब करना है जब आपको नोटिस दिया जाए, लिटरली आपको जो है रिटन पेपर मिले उसका, तब ये जो है उस पेपर के ऊपर ताला चाबी ला करके आप रख दीजिए और अगले दिन जा करके इसको खोल करके चौराहे पे रख दीजिए और उसके बाद घर आ जाइए। इससे जो है आने वाले समय में अगर आपकी जॉब चली जाती तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा जुड़ी रहेंगी, आपको बैठना नहीं पड़ेगा। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपकी?
हाँ जी, हमने ना बच्चे के बारे में पता करना था, बच्चा पढ़ाई के बारे में ही पता करना है उसके। उनकी कितने साल के हैं वो अभी? वो 3rd अप्रैल वो 16 साल की हो गई है, 10th पास करी है। 10th पास उन्होंने कर लिया है, तो आप अब जानना चाहते हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी थोड़ा सा इमोशनली मैं उन्हें कहीं देख रही हूँ कि वो लो हैं, यानी कि इमोशनली कहीं अटकी हुई हैं, इमोशनली अटैचमेंट में हैं और परेशान भी हैं, अंदर से परेशान भी। आप ट्राई कीजिए कि वो अपना मन खोले पहले, उसके बाद ही उनकी जो है जीवन में उजाला होगा। मतलब शुरुआत जो है नई जीवन की तभी हो सकती है ना कि जब हम स्वस्थ रहें दिमाग से। उनके दिमाग में परेशानी है, जो आपसे वो डिस्कस करेंगी, अपना मन खोलेंगी, तभी वो दूर होगी। मैं आपको उपाय बताती हूँ जिससे ये परेशानी दूर हो जाए और उनका जो है जीवन सुचारू रूप से शुरू हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रून बना हुआ है क्रॉस शेप में, इसे गेबो कहा जाता है। इसे आप अगर छोटे पेपर पर बनाकर, छोटे स्क्वायर पेपर पर बनाकर पूर्णिमा के दिन करना है ये उपाय, और उनके गले में अगर आप धारण करवा देती हैं तावीज में भर के, तो इससे जो है वो जो भी उनके साथ इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है उससे वो दूर हो जाएंगे और प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो हेलो जी, बताइए क्या समस्या है। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, बताइए क्या समस्या है। मैम मुझे पूछ रहा है, मेरा काम बहुत जल्दी छूट जाता है, 8 महीने 9 महीने में। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आप पूछना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट जो है जॉब किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसलिए छूट जाता है क्योंकि आप टीम वर्क नहीं करते और आपके जो डिसीजंस होते हैं ना वो रॉन्ग हो जाते हैं डिसीजंस में, कहीं और कहीं थोड़ा सा ईगो का भी प्रॉब्लम है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली अगला जब जॉब करेंगे या कार्य करेंगे तो वो नहीं आपसे दूर होगा। आपको उपाय भी बता देती हूँ, ये भी आप कर लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक आकृति एस शेप में बनी हुई है, इसको आप एज इट इज बना लीजिए। रेड कलर के मार्कर पेन से आपको ये बनाना है, राउंड पेपर पर, सर्कल होना चाहिए वो पेपर जो है, राउंड होना चाहिए, उस पर ये बनाइए आप संडे के दिन, और उसके बाद हमेशा अपने वॉलेट में कैरी कीजिए इसको। इससे जो है ये जो बार बार आपका ध्यान हट जाता है, आप डिसीजन मेकिंग रॉन्ग करते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप सही डिसीजन लेंगे और प्रॉब्लम भी नहीं आए आपके पास। मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों मैं शिवानी दुर्गा टैरो मास्टर होने के साथ साथ भी बहुत सारी अन्य विधाओं में ज्ञान रखती हूँ। विक्का, तंत्र, वूडू, अघोरिज्म, यंत्र, मंत्र, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, क्रिस्टल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसके अलावा कैंडल मैजिक, ये सब जो है बताने के लिए नहीं है, ये इसलिए मैंने ज्ञान हासिल किया कि मेरे, क्योंकि मेरे भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, क्योंकि मनुष्य है भैया, मनुष्य जीवन में तो उतार चढ़ाव हर किसी के जुड़ा हुआ है, पर मेरे उतार चढ़ावों ने मुझे ये सिखाया कि हम दूसरों को मदद किस तरह से करें। तो मैंने ये ज्ञान अर्जित किया और ये उद्देश्य बना लिया कि अगर किसी के भी जीवन में परेशानी है तो निस्वार्थ भावना से भैया उनको हेल्प करेंगे, उनकी जो भी परेशानी है उन्हें ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ है। अगर आप अपनी समस्याओं से दूर होना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, डायल कीजिए 1-5-6-6-4-4-6-6। इस शो के साथ एक सेवा भी है, एक सर्विस भी है, 24 घंटे 365 दिन 1000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के, जो आपकी सेवा में हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं इस शो के दौरान, तो मैं यूं गई और यूं आई। नमस्कार, एस्ट्रो शॉप में मैं शिवानी दुर्गा टैरो मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों ज्योतिष विद्या काफ़ी प्राचीन विद्या है और ये हमारे वेदों का अंग है। ज्योतिष का अर्थ केवल ग्रह नक्षत्र की चाल बताना ही नहीं, वरन ये भी बताना है कि अगर कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है तो उसे सुधारा कैसे जाए, कौन से रत्न या कौन से यंत्र का उपयोग करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ यंत्र और रत्नों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यंत्र केवल एक छोटा सा पीस ऑफ मेटल नहीं है, इसके ऊपर जो अंकित होते हैं अंक या मंत्र, वो सीधे वाइब्रेट करते हैं हमारी लाइफ को पॉजिटिव वे में। किसी भी प्रकार की समस्या हम झेल रहे हों, वो इन यंत्रों को केवल मात्र घर में रखने से ही दूर हो जाती है। पुराने समय में लोगों के पास बहुत समय होता था तो वो इन यंत्रों के ऊपर तप, मंत्र, जप करते थे और तब ये सिद्ध होते थे। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रो शॉप में ये यंत्र आपको सिद्ध किए हुए मिलते हैं। आपको सिर्फ इन्हें घर में ले जाकर रखना है और आपके जीवन की समस्याएं आपसे दूर होने लगेंगी। पढ़ाई लिखाई का काम करने वाले विद्यार्थियों और
व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इस यंत्र को अपनाने से माँ सरस्वती की कृपा रहती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिनका ध्यान भटकता रहता है, उन्हें सरस्वती यंत्र अपने साथ रखना चाहिए या पढ़ाई की टेबल पर रखने से एकाग्रता बनी रहती है और माँ सरस्वती की कृपा से अच्छे परिणाम भी आते हैं। सरस्वती यंत्र को अपनाकर स्टूडेंट अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है और वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, उस क्षेत्र के लिए उनका पढ़ाई में मन लगा रहता है। माँ सरस्वती की कृपा पाएं और सरस्वती यंत्र को अपनाएं। व्यापार वृद्धि यंत्र आपकी नौकरी में आपको उन्नति दिलाने में और आपके बिजनेस में आपको फायदा पहुंचाने में सहयोग देता है। जॉब करने वालों को अक्सर ये बात मन में खटकती है कि उनकी इनकम फिक्स है और जब इंक्रीमेंट की बात आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। व्यापार वृद्धि यंत्र उन सभी के लिए है जो जॉब में तरक्की चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं। व्यापार में ग्रोथ नहीं होती, बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो व्यापार वृद्धि यंत्र को अपनाएं। अब आपको सिर्फ काम में और व्यापार में ध्यान देना है, उसमें वृद्धि या काम में तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी जॉब में इंक्रीमेंट पाएं और बिजनेस में ग्रोथ लाएं व्यापार वृद्धि यंत्र के प्रभाव से। इन यंत्रों के लिए आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा या रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर जो भी पूजा या आराधना करते हैं बस वो करके और इन्हें सिर्फ प्रणाम करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यंत्र हमारे जीवन में साइंटिफिक रूप से अपना असर डालते हैं। जब हम इन्हें अपने घर में रखते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है वो हमारी ऊर्जा के साथ मिलकर और हमारे आसपास के घर के अंदर जो ऊर्जा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो नेगेटिव ऊर्जा है तो ये उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अगर ऊर्जा न्यूट्रल है तो ये उसे पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। भविष्य फल सितारों से हल में मैं शिवानी दुर्गा टैरो मास्टर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी अभी आपने हमारी सर्विसेज पर नजर डाली। कितनी बढ़िया बात है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप खरीदना चाहते हैं, जो भी रेमेडीज यहाँ बताई जाती हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी सामग्री है या साधन है उसे अगर आप पाना चाहते हैं तो भविष्य फल आपके लिए ऐसी सर्विस लाए हैं कि जहाँ पर आप कॉल करके सभी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं और ये सभी रत्न रुद्राक्ष जो हैं आपको मिलेंगे एकदम ऑथेंटिक और चार्ज किए हुए, यानी कि इनके ऊपर खूब सारे मंत्रों का उच्चारण करके इन्हें शुद्ध किया गया, पावरफुल बनाया गया है, ताकि आप अगर इन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो आपको आशातीत लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, जीवन में जो अपने विश्वास जमाए रखता है, विश्वास की जो ज्योति जलाए रखता है, जैसा कि मैंने जब प्रोग्राम शुरू में ही कहा था कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जो विश्वास को अपने दृढ़ रखते हैं उनके जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता, उनके जीवन में उजाला ही उजाला है। कहीं अगर आप घटाओं में, घनघोर घटाओं में फंस जाएं तो आप बैठते नहीं हैं, वरन चलते रहते हैं, यही प्रयास करते रहते हैं कि हम इनसे बाहर कैसे हो जाएं, इन परेशानियों से दूर कैसे हो जाएं। जब बारिश आती है तो हम उसमें भीगते नहीं, वरन कहीं जगह देखकर रुक जाते हैं या छतरी साथ में लेकर चलते हैं। इसी तरह से ये जो उपाय हैं हमारे जीवन में, इसी तरह से हमें बचाते हैं। अगर हम कहीं समस्याओं में घिर जाएं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, घर के अंदर कलह कलेश का वातावरण बना हुआ हो, घर के अंदर वास्तु ठीक ना हो, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में बहुत अशांति है, तो मित्रवर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास ये जो मौका चलकर आया है घर बैठे कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस लाइव शो का पूरा पूरा फायदा उठाइए और मुझसे बात कीजिए बेझिझक होकर। नंबर डायल कीजिए 5664466। मैं लेने जा रही हूँ बैक टू बैक कॉल्स, लेती हूँ मैं अपना अगला कॉल।
हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल रही हूँ। हेलो शिवानी जी, मैं अमित बोल रहा हूँ बैंगलोर से। जी अमित जी बताइए क्या समस्या है। मेरा एक प्रश्न है, एक्चुअली मेरी शादी को 3.5 साल हुए हैं। ओके, तो माय वाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मेरे से। शी वांट्स मी दैट मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहूं, उसके साथ रहूं। और प्लस मेरी जॉब भी थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं रहती है, मतलब एवरी दो ढाई साल मेरे को जॉब चेंज करना पड़ता है। जी जी जी। एंड द मेन जो मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो माय वाइफ एंड ऑल। ओके, देखिए यहाँ पर जो जॉब से रिलेटेड समस्या है, आजकल सभी जो है 2-2.5 साल में एक्चुअली सब लोग जॉब चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि उससे उनका CV जो है पावरफुल मान लिया जाता है, ऐसा आजकल की धारणा है। लेकिन जॉब के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली लाइफ में देख रही हूँ कि वाकई डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता मत कीजिए। 2-3 महीने का समय थोड़ा सा दीजिए। क्या होता है, अभी शादी 3.5 साल आपने कहा हुई है, शुरू में जब हम दो लोग मिलते हैं अलग अलग जगहों से, तो हमें डेफिनेटली एक दूसरे को समझने में समय लगता है। तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए और कम्युनिकेट कीजिए जितना हो सके। आपको उपाय भी बता देते हैं, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। शिव जी को हम फैमिली लॉर्ड मानते हैं, तो आप शिव आराधना शुरू कर दीजिए। हर मंडे के दिन शिव जी को दूध चढ़ाइए जिसके अंदर पानी में मिला हुआ हो, और उसमें चावल और सफ़ेद तिल होने चाहिए और बेलपत्र हो। ये आप मंदिर ले जाकर के आपको ये कार्य करना है हर सोमवार को, और वहाँ पर जाकर के आपको शिव जी को जल चढ़ाते हुए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इससे धीरे धीरे आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आ जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। लेती हूँ मैं आज का अगला कॉल। हेलो नमस्कार, मैं शिवानी दुर्गा बोल। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गया। देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ नेटवर्क में रहें, फ़ोन से बात करें, टीवी